हिंदू लड़के से प्यार कर रही हैं मुस्लिम लड़कियां, क्योंकि महिलाओं की आवाज उठाने के लिए तो महिला आयोग है, लेकिन पुरुषों की आवाज उठाने के लिए कोई पुरुष आयोग का गठन कभी आज तक किया नहीं गया है। अब तो मुस्लिम लड़कियां भी नेम बदल कर हिंदू लड़के से प्यार करने लगी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जनता का राज में। मेरा नाम आनंद राजपूत है और मेरे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ग्रांड रिपोर्टर मिस्टर अवधेश पाल जी। बहुत बहुत सभी का स्वागत है और नमस्कार सभी को। देखिए, क्योंकि आजकल उपचुनाव ही चल रहे हैं, बाई इलेक्शन चल रहे हैं, जो शहरों में आम तौर पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान की बातें की जाती हैं, तो क्या ये ध्रुवीकरण, ये नफरत अब गांव की शुद्ध हवा में भी घुल जाएगी? क्या गांव की शुद्ध हवा को भी ये नफरत दूषित कर देगी? कुछ इसी प्रकार का मुद्दा आपके सामने हम लगातार रखते आ रहे हैं। हमारे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, भली भांति परिचित होंगे। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर मिस्टर अवधेश पाल जी ने लगातार जमीनी हकीकत आपको दिखाई है और ये जानकारी आपको पहले से ही होगी। अवधेश जी, आप लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये मुद्दा क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, मैं आनंद जी पहले बता दूं अपने दर्शकों को, उन्हें याद भी है लेकिन फिर से दोहरा देता हूं कि ये मामला कस्बा खेड़ा पड़ता है, राठ थाना क्षेत्र का ये गांव है, हमीरपुर जिले में पड़ता है। और आपने पहले ही बताया कि नोएडा से जी, एक आफरीन नाम की लड़की जी, करीब आज 15 दिन होने को है जी, जी, और उसी गांव में जी, एक राम सिंह यादव करके हैं, उनके यहाँ रुकी हुई है। मामला यहाँ तक था जी, अब मामले में जो चीजें आ रही हैं, मामला कहाँ, हमारे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में जान रहे हैं कि मामला आखिर किस मोड़ पे पहुंचेगा। बिल्कुल, अब तो देखिए मामला बहुत हाईलाइटेड हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, लगातार हम लोग इस मामले को फॉलो भी कर रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी लगातार जानना चाहते हैं कि इस मामले में नया रुख क्या है। दर्शकों की अपनी राय जो हम लोग बहुत अहमियत देते हैं, हमने डिमांड किया था कि भाई दर्शकों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपका नजरिया है, आप भी साझा करिए, जहां से हम देख पा रहे हैं हम अपना नजरिया भी बताएंगे, आप इस मामले को कैसे देखते हैं, आप भी अपना नजरिया बताइए। तो ऐसे ही कुछ दर्शकों ने, विशेष दर्शकों ने या बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रखी है और उन्हीं कमेंट्स को हमने उठा के आपके सामने स्क्रीन पर लाए हैं। अवधेश जी एक एक करके आपको दिखाएंगे, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो कि भाई क्या चीज है। तो पहला कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पहला कमेंट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए ये यहाँ पे हमारे वंश रजावत जी है, है ना जी, मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट भी करते चलूंगा। देखिए हमारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वंश रजावत जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि ये लड़की नंबर एक कलाकार है। यानी इनका कहने का तात्पर्य जो है, मतलब है कि इनको लड़की की बातों पर कोई बहुत ज्यादा यकीन नहीं हो रहा है और लड़की बहुत कलाकार लग रही है, चालू लग रही है, चालाक लग रही है। ये थे हमारे वंश रजावत जी, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने लगभग कमेंट किया था ये चीजें हैं। आगे का कमेंट पढ़ लेते हैं और ये दूसरा कमेंट जब हम लोग देखेंगे तो ये रहा। अरे जी, ये पिछला कमेंट था, जैसे आप तो ग्राउंड पे लगातार गए हैं, मिले हैं, तो क्या आपका मानना क्या है कि इनका कहना किस हद तक सही है, जायज है? दो तस्वीरें हैं आनंद जी, मैं बता दूंगा आपको, आप भी दर्शक दो कवरेज देखे हैं। पहली कवरेज देखे थे वो शुरुआत की थी, फिर उसके एक सप्ताह बाद एक कवरेज आती है, दर्शक कहते हैं कि आखिर आप वहां गए हैं, आगे मामले में हुआ क्या, जिस वजह से दोबारा भी पहुंचे थे जी जी। पहले मामले में भी ग्राम प्रधान थे जी जी, और दूसरे मामले में भी ग्राम प्रधान थे, राम सिंह का परिवार पूरा दिख रहा है जी जी। तस्वीरें लेकिन दो दिख रही हैं, पहले मामले में जब उस दिन गए थे तो मेरे जाने से केवल ये चीजें बदली थी कि जब प्रेशर ज्यादा कहा गया कि आखिर क्यों आफरीन यहाँ रुकी है जी जी जी। क्या वजह है, शादी ही करनी है जी, अगर जी, प्यार इतना शिद्दत के साथ है, सब कुछ छोड़ के आई है जी, जी, और वो खुद बताइए कि एक बच्चा भी उसका पहले, और शादी से पहले एक बच्चा है जी, जी, उसको छोड़ के आई है जी, तो प्यार ऐसी बातों से तो लगता है बहुत शिद्दत का है जी, और जी, फिर मुस्लिम लड़की यहाँ, धर्म भी उसके आड़े नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं चलन भी लोगों का ये हो गया था, पहले सीमा और सचिन का लोग देख चुके हैं तो इनके जहन में ये चल रहा था, इतनी बात है, मतलब उस मुद्दे से लोग कहीं ना कहीं इसको भी रिलेट कर रहे हैं ना, रिलेट कर रहे हैं, और क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है तो, लेकिन क्योंकि ये दर्शक बाहर से देख रहे हैं तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वंश रजावत जी का, उनका ये मानना है कि लड़की थोड़ी कलाकार है। देखिए भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है ना, उसको बहुत दिनों से हम लोग भी कोई जानते नहीं है, अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज हमको मानना पड़ेगा, खुले तौर पर उन्होंने स्वीकार भी किया है दोनों पक्षों ने
ये लगभग 3 महीने तो ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, है ना। तो इस चीज को तो हम कोई झुटला ही नहीं सकते, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, और वीडियो में भी है, ये प्रूफ है बाकायदा, दोनों एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगला कमेंट पढ़ लेते फिर बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारा अंकुर कुमार 3390, इनकी आईडी है। नेक्स्ट कमेंट है, अब तो मुस्लिम लड़कियां भी नेम बदल कर हिंदू लड़के से प्यार करने लगी हैं। देखिए अंकुर कुमार जी, ये उनकी अपनी राय हो सकती है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ मुस्लिम या हिंदू कोई मैटर है। हम बराबर जनता का राज के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि जो ध्रुवीकरण चलता है हिंदू मुस्लिम का एंगल इसको ना दिया जाए, और ये बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, इस पूरे के पूरे मुद्दे को एक महिला और एक पुरुष के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये राजनीतिक तरीके से या मतलब ऐसे और भी हमने कमेंट देखे जिनको हम यहाँ लगा भी नहीं सकते इस तरीके की भी कमेंट से, आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। बराबर कुछ और पक्षों के द्वारा इसको राजनीतिकरण किया जाना चाह रहे हैं या ऐसे कमेंट करके ये बताना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हम बहुत ज्यादा लोगों को ये ऐसा सोचने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम वाला कोई फैक्टर ही नहीं है, और ये कमेंट मुझे नहीं लगता कि उतना लॉजिकल है, लेकिन फिर भी ऐसे कमेंट है तो हमारा बताना ये कर्तव्य है कि बाकी लोग जो दर्शक देख रहे हैं आप भी थोड़ा सा इस नजरिए से हटके थोड़ा सा उसको दो इंसानों दो लोगों की प्रेम कहानी जो है उस तरीके से अगर देखेंगे तो बेहतर रहेगा। सही मायने में वही बात है। और आगे का अगला कमेंट देख लेते हैं। लड़की बिल्कुल सही नहीं है, ये कमेंट हमारा, अच्छा हाँ ये आईडी इन्होंने डिस्क्लोज, थोड़ा दूसरा नाम है ऑर्डर करके। लड़की बिल्कुल सही नहीं है, चाहे कोई भी धर्म की हो, बिल्कुल बेकार लग रही है, ना माँ बाप की और ना ही पति की इज्जत करेगी। ये देखिए इन्होंने थोड़ा सा सेंसिबल बात की है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लड़की है कोई भी धर्म की हो सकती है। अदेश जी मुझे लगता है इन्होंने जो एनालाइज किया है उनके वीडियो फुटेज को देखकर उन्होंने एनालाइज किया है, वो जिस तरीके का बर्ताव या उनकी बोल भाषा है उस बेसिस पे इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट किया है कि लड़की किसी की धर्म की हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका बिहेवियर के बेसिस पे उन्होंने कहा बात किया है। और ये कहीं ना कहीं ये चीजें लोग वीडियो देखकर ही समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट कमेंट अवधेश कुमार 1040, अवधेश जी आपका तो नहीं है और बिल्कुल नाम राशि हो सकती है, लेकिन अब चैनल तो मैं कवरेज करता हूँ तो कमेंट तो मेरा नहीं है फिलहाल। चलिए ठीक है, मुझे भी बताओ ये आपका नहीं है। अरे भाई साहब यह लड़की आज कोर्ट में अपील करेगी, चल शायद यहाँ कल लिखना चाह रहे थे, कल छोड़कर चली जाएगी और इसके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेगी, फरार हो जाएगी, यह बहुत चालू लड़की है। और यदि ये भी दर्शकों को बराबर डर है, हालांकि हम सब लोग जानते हैं ऐसे पहले और भी बहुत सारे मैटर हुए हैं क्षेत्र में, लुटेरी दुल्हन शायद आपने सुना होगा आनंद जी, उस पर भी बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगा कि कितने मामले हैं जो हमारे यहाँ वैसे गरीब तबके के लोग हैं किसी तरह पैसे का इंतजाम करते हैं और बीच में जो ब्रोकर होते हैं दलाल होते हैं वो किसी ऐसी लड़की से शादी करा देते हैं जो बाहर के रहते हैं और एक महीने रहती है और पूरा सामान समेट के जेवर लेके रखो चक्कर। जी जी ऐसे तो बहुत आए, कई बार तो सिर्फ जेवर का मामला नहीं, कई बार तो ऐसे हमने मर्डर केसेस भी बहुत सारे देखे हैं, तो ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि क्योंकि लोग जानते हैं तो ये भी उनका मानना गलत नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे भी केसेस हुए हैं। अवधेश जी का ये भी एक कमेंट है जी। आगे नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं जी। जी जी नेक्स्ट कमेंट है हमारा राकेश सोनी जी 1026 जी। ये लड़का डैश, इन्होंने थोड़ा सा दूसरा कमेंट कर दिया, ये लड़का थोड़ा डैश बना रहा है, इसने इसका यूज किया है, मतलब लड़के ने लड़की का है रियल नाम में इन रियल मेन, ये लड़की सच बोल रही है, एकदम आई सपोर्ट है ना, ये राकेश सोनी जी लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं और इनका मानना है कि लड़की ने लड़की को बेवकूफ बनाया है, उसका यूज किया है और ये लड़की का आफरीन जी का सपोर्ट कर रहे हैं जी। इसके नीचे एक और कमेंट है हमारे पास, नेम आईडी उतना क्लियर नहीं है। यह महिला लोगों से लिव इन रिलेशन बनाकर ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठने वाले किसी गिरोह की सदस्य है। इनका भी यही मानना है कि ये लड़की जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ब्लैकमेल करती है और पैसे ऐंठने वाली जो तमाम प्रकार की गैंग गिरोह। अब नेक्स्ट कमेंट देखने से पहले जब लिविंग की बात आ गई है तो थोड़ा सा ज्ञान लिविंग पे भी, आनंद जी आपके पास क्या जानकारी है लिविंग को लेके, और इस मामले में जो अभी तक मैंने आपको बताया था क्या लिविंग में किस तरह लोग रह सकते हैं और अभी तक ये किसी सर्टिफिकेट था इनके पास किस तरह से, कहीं ऐसी जानकारी इनके पास है क्या है जी।
देखिए मैं ऑडियंस को दर्शकों को बता दूं, इंग्लिश वर्ड बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं, यानी जो मैच्योरिटी की एज एडल्ट एज कंसीडर की गई है 18 इयर्स के बाद हम लोग बालिग मानने लगते हैं, हो जाते है ना, जब दो लोग 18 इयर्स के ऊपर हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर बालिग हो जाते हैं, तो कानूनी तौर पर कानून उनको ये अधिकार देता है कि वह अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ बिना शादी किए रह सकते हैं। ठीक, बिना शादी किए रहेंगे तो उनकी मर्जी है, वो पति पत्नी की तरह रहे किसी भी तौर पर, आमतौर पर है ना, जैसे भी वो रहना चाहे वो रह सकते हैं, शादी करना कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप में आने के पहले आप सिर्फ अपनी मर्जी के साथ साथ कानूनी तौर पर भी प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्रार के पास जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पूर्णता पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है। अगर आपने वो कानूनी प्रक्रिया नहीं कराई है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी, जो लोग जब तक रहते हैं उनका मन लगा तो ठीक है, उसके बाद अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते जी हैं। अगर इसमें महिला या पुरुष उनके पहले से बच्चे हैं, इन दोनों को ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है कि उन बच्चों की देखभाल ये लोग करें। बहुत अच्छी जानकारी आनंद जी दे रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज मैं और प्रकाश में चाहूंगा कि हमारे गांव तब देखे लो हैं, लड़के जो बाहर कमाने जा रहे हैं उन्हें तो लिविंग का कुछ पता ही नहीं था, आज देखें क्या चीजें बदल रही हैं, क्या परवेश हो रहा है। तो अगर ऐसे कमाने जा रहे हैं और लड़के बिगड़ जानकारी के साथ लिविंग में रह रहे हैं, फिर घर पर ऐसी परेशानी हो जा रही है, उनके लिए क्या आनंद जी कहना है? तो उनके लिए ये कहना है कि फिर ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बिना जानकारी के, देखिए किसी भी गांव का लड़का हो, हमारा कोई भी हो, इतना तो जानता है बिना शादी के किसी लड़की के साथ रहना गलत है, अपराध है, कानून अपराध है। कोर्ट ने भले ही इंडिया लेवल पे या मॉडर्नाइजेशन, हम दिल्ली मुंबई यहां वहां की बात करें अलग बात है, कि लड़कियों के साथ रहने की इजाजत दे दी 18 साल के बाद, गांव में आज ही लिव इन रिलेशनशिप नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से गलत है, और जिसका हम बिल्कुल भी समर्थन या सपोर्ट कभी नहीं करेंगे ना हम करते हैं। चीजें जो गलत है वो गलत है। देखिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, और ये एक छोटा सा कमेंट था, अच्छा, वो भी नीचे एक कमेंट है, पैसा मांगेंगी ये महिला, आमतौर पर जो लोग कह रहे हैं वही चीज है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये पैसे वाला मैटर है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, देवेंद्र सैनी जी अगला जो कमेंट करने वाले हमारे यूजर दर्शक है वो है देवेंद्र सैनी जी, इनका कहना है आफरीन सही बोल रही है, आफरीन दबंगई से बोल रही है, मतलब सही है, आमतौर पर जो बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, देव जी अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे अंदर डर का भाव रहेगा, लड़खड़ाएगी जुबान, घबराहट रहेगी। इनका मानना है कि आफरीन सही बोल रही है, आफरीन दबंगई से बोल रही है तो सच बोल रही होगी। दूसरी बात, अगर आमतौर पर हम भी जैसे दर्शकों ने भी ये सोच रखा हुआ, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, अगर कहीं कमी होती या मामला सिर्फ पैसे का होता तो एक महिला दिल्ली से इतना दूर आके 15-20 दिन रुकती नहीं शायद किसी जगह पे, है ना, कोई भी एक महिला ऐसी जगह पे आके रुकना मुझे नहीं लगता है कि 15-20 दिन सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए, क्योंकि पैसे के लिए यहाँ, अगर पैसे के लिए उसने किया है तो कहीं ना कहीं आप और हम सब लोग दर्शक भी इस चीज को मानेंगे कि पैसे के लिए या पैसे के चक्कर में उसने अपनी लाइफ भी कहीं ना कहीं रिस्क में डाली है। उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उसने जिंदगी की परवाह नहीं की, एक अनजान जगह पर बुंदेलखंड में आके, एक छोटे से गांव में आके, उसके आधार कार्ड के सहारे, ऐसा कि महिला ने हमारी एक फुटेज में बताया, उसके आधार कार्ड के सहारे वो महिला आई है ना। तो इनका भी ये मानना है कि शायद इनका भी मानना है कि भाई वो ठीक महिला होगी, है ना, लेकिन अभी क्योंकि मामला बहुत कहीं उतना आगे नहीं बढ़ पाया है तो अभी इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कौन सही है कौन गलत है। बाकी फैसला देखिए पुलिस प्रशासन या जो भी लोग जिम्मेदार लोग हैं वो करें, दर्शक अपनी राय देते रहें और हम ये देखते रहेंगे। एक शिवाजी का कमेंट है जी, शिवाजी का एक कमेंट है जी, पैसा ऐंठने का तरीका वकील केस को बंद नहीं होने देगी, उसको अब पैसे कमाने हैं इससे। यहाँ पे मुझे लगता है जो उन्होंने शब्द वकील इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है जो लगातार आफरीन जी जो महिला है डॉक्टर रितु करके, मैं आपको बता दूं उन्हीं का जिक्र हो रहा जी, शायद उन्हीं का जिक्र हो रहा है, डॉक्टर रितु करके एक महिला है उनका जिक्र हो रहा है, तो शायद उनको ये वकील बता रहे हैं। दर्शक कमेंट बॉक्स में ये भी लिख रहे थे, मेरी बात हो रही थी जी जी जी, दर्शक ये भी लिख रहे थे जिस टाइम पे आप रिपोर्टिंग कर रहे थे
कि लगातार ये आपकी बातें किसी तीसरी महिला को या किसी अपने गिरोह को सुना रही सुना रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है उस टाइम पे ये डॉक्टर रितु शायद इनके साथ लाइन पे होती हैं, इनके बारे में भी हमने जानकारी की है। तो ये महिला विकास मंच की दिल्ली से जिला अध्यक्ष है, जैसा उन्होंने बताया है आपसे, शायद वीडियो कॉल में बताया है एक दो जगह। हालांकि और भी क्या डिटेल से जानकारी है इसमें बहुत ज्यादा पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा नहीं उठाते। नेक्स्ट कमेंट जी जी, कहीं ना कहीं अवधेश जी दर्शकों को लग रहा है कि पैसे वाला ही मैटर है। हाँ, ज्यादातर तो कमेंट जब नीचे जाते हैं तो वो जी, हाँ जी। देखिए ये अगला कमेंट हमारे पास है देवेंद्र सैनी जी, शायद यही है जो हाँ, पहले थे है ना हाँ, आपने सही वो ये कमेंट हाँ, पहला कमेंट पढ़ चुके हैं जी। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, समझदार को इशारा काफी, ऑब्वियसली सब लोग हम जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं भाई, एक लोगों की तो गलती होती नहीं है, लेकिन जब अवधेश जी गलती हो गई है, मामला इतना आगे बढ़ गया है, तो हम किस आधार पर उसका समाधान क्या हो सकता है उसी पे बात कर रहे हैं जी, उसके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए एक और कमेंट है, एक और कमेंट है हमारे पास जी। देखिए इनका नाम है मनीष कुमार है ना, ये कह रहे हैं इन्हें समझाने कोर्ट कानून पुलिस है भाई साहब, वही जगह है, ऐसी बात घुमा रही है जैसे गांव के प्रधान जी को भी चपेट लाए। मतलब वो पहला वीडियो जैसे आपने देखा होगा, प्रधान जी भी थोड़ा सा उग्र हो गए थे, प्रधान जी के ऊपर भी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। तो इनका मानना भी है कि भाई ये महिला थोड़ा घुमा फिरा कर बात करना जानती है, एक्टिव है महिला, वही प्रधान जी को भी थोड़ा लपेटने का प्रयास कर रही है, उसी पे बात कर रहे हैं जी जी जी। नेक्स्ट कमेंट जी, देखिए नेक्स्ट कमेंट स्वरूप के दास गुप्ता जी है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Afreen is a good woman. Afreen ready to convert to Sanatan Dharma but court marriage. Thank you Afreen. हालांकि थोड़ा सा इंग्लिश उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इनका मतलब मैं समझा देता हूँ। जी जी जी, इनका कहना है कि Afreen जी एक अच्छी महिला है, अच्छी स्त्री है। Afreen ready to convert to Sanatan Dharma. मतलब इनका कहना शायद Afreen जी ने बोला होगा कि मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हूँ, हमारी एक फुटेज में शायद बोला था जी। तो इनका कहना है कि Afreen एक अच्छी महिला है और अपनी शादी बचाने के लिए, अपने पति के साथ रहने के लिए ये सनातन धर्म को, अगेन वही हिंदू मुस्लिम वाला ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो सनातन धर्म में भी कन्वर्ट होके कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार है। और देखिए कोर्ट मैरिज की बात आई है तो वहां वो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, आप सब लोग क्योंकि गए हुए थे, प्रधान जी भी शायद गए हुए थे, कोतवाली पहुंचे, कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे सेकंड फुटेज, उसके बाद क्या हुआ था? शुरुआत से बात कर लेते, जैसी रिपोर्टिंग करने पहुंचता हूँ ग्राउंड पर जी, पूरी रिपोर्टिंग होती है ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ आने से कुछ तो होना चाहिए जी जी। उनकी माँ जी जो राम सिंह है जी, उनकी माँ जी बहुत मेरे सामने रो रही थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे गांव बुंदेलखंड में नाक कट गई है, ऐसे ऐसी चीजें राम सिंह का होता है, बहुत कुछ बोल रही थी। और ऋतु इसके Afreen के भी आंसू नहीं देखे जा रहे थे कि ये भी एक कमरे में और किस तरह खाना बता रही थी, बाहर से समोसे मंगा ले रही है, बिस्किट, तो लगा कि कुछ तो हल होना, मतलब स्थिति दयनीय है दोनों तरफ, दोनों तरफ परेशान दोनों लोग हैं जी। तो मुझे लगा कि तैयार, तो मैं वहीं एग्री कर लिया ठीक है, प्रधान जी भी थे तो बोले आप हैं सुरक्षा देंगे तो चलेंगे जी, प्रधान जी अपनी दोनों गाड़ी पे, आप हैं सुरक्षा देंगे तो चलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं गांव के लोगों को प्रधान जी को जनता की राज के कैमरा पर पूर्णतः भरोसा है, भरोसा है, और लगा उनको भी Afreen को, तो प्रधान जी अपनी गाड़ी पे दोनों को ले गए ठीक है। हम लोग पहुंचते हैं कोतवाली, राट कोतवाली पहुंचते हैं जी, SHO ये समय था कि SHO ज्यादातर फील्ड पे रहते, लेकिन थे वहाँ कोतवाली में जी, मिल गए, उन्होंने पूरा मामला देखा। बात आनंद जी जब हुई तो SHO साहब ने वही कहा कि हम लोग केवल आपको सुरक्षा दे सकते हैं ठीक है, और आप लोग बालिग हैं जी, और आपको कोर्ट मेरे शादी दोनों का, वैसे ही आप राम सिंह भी बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, Afreen भी बोले ठीक है ठीक है। वहाँ जब से गांव से बहुत सारे लोग पहुंच गए थे जी जी, और ऐसी चीजों में थोड़ा हुजूम तो बढ़ता है सबको बड़ा, और खासतौर पर वीडियो में भी लोगों को इंटरेस्ट है और गांव वालों को भी कि आखिर मामला क्या है, हल क्या निकलेगा जी जी। पहुंचे ठीक है, वहां भीड़ थी, लोगों ने देखा तो SHO साहब ने कहा कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, और वहां बकायदा एप्लीकेशन लिखवाया, बोले गवाह नहीं है Afreen को, मुझे लगा कि शादी करना चाहती, मैंने कहा मैं दे दूंगा गवाह, कोई नहीं देगा तो चलो मैं गवाह दे देता हूं, निकाल के पहले देख लेता हूं ये एप्लीकेशन भी आपके सामने, एक बार अवधेश जी आप इसको पढ़ के सुना दीजिए जी। बिल्कुल, इसको राड जब पहुंचे थे तो ये एप्लीकेशन लिखा गया था राम सिंह के द्वारा पक्ष के, राम सिंह ने अपनी अच्छा, ये एप्लीकेशन राम सिंह के पक्ष से है, राम सिंह जी ने लिखा था, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय
राठ जनपद हमीरपुर। महोदय निवेदन है कि प्रार्थी राम सिंह पुत्र श्री मुन्ना यादव निवासी ग्राम कसवा खेड़ा राठ थाना जनपद हमीरपुर का रहने वाला हूँ। आफरीन पुत्री जहांगीर निवासी मुजफ्फरपुर थाना और आथी जो कि मेरे घर पर आई हुई थी और मुझसे शादी करना चाहती है और इन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया था। हम दोनों पक्ष थाना राठ आए और लिखकर दे रहे हैं कि हम दोनों लोग बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। मैं राम सिंह आफरीन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ कोर्ट मैरिज करूंगा लिखकर दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ गवाह भी है। प्रथम पक्ष राम सिंह, अच्छा राम सिंह वो लड़का है अपना, उसका मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर भी है यहाँ पर, है ना। हाँ। ताकि मोबाइल नंबर अपन को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि लोग उसको परेशान ना करें। जी जी, इधर मेरे में भी कमेंट आने वाले हैं तो मेरा भी छिपा दीजिए, देखिए यहाँ पर ये भी है। प्रथम पक्ष राम सिंह, उसका मोबाइल नंबर था जो कि हमने छुपा दिया है। गवाह में अवधेश कुमार, अवधेश जी ये गवाह में आप भी थे क्या? मैं बताया ना कि आपको, मुझे लगा जो मुझे थोड़ा सा अंदर से आ रहा था कि पक्ष पीड़ित है, आफरीन भी परेशान है, गवाह आफरीन का कोई यहाँ जानने वाला नहीं है तो कोई गवाह, मैंने कहा मैं तो लिख देता हूँ लेकिन दो गवाह चाहिए जी। तो ये सब लिखने के बाद ये एप्लीकेशन थाने में भी है। तो ये आप किसके पक्ष से गवाही दे रहे थे? ये मुझे बताया गया था कि आफरीन को जरूरत है तो आफरीन के पक्ष से। अच्छा, जबकि अच्छा। ये राम सिंह का ये लेटर है, मतलब आप आफरीन के पक्ष से यहाँ पर गवाह में अपना साइन भी आपने किया है। थाना में कर दिया था। देखिए यहाँ पर तो जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जो लोगों को ये लग रहा हो कि आफरीन थोड़ा सा असुरक्षित महसूस होगी अनजान जगह पे, तो हमारे यहाँ पर हमारे पत्रकार महोदय जैसे लोग भी और भी रहते हैं जिन्होंने आफरीन का, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, कोर्ट मैरिज हो जाए गवाह की उसको कमी ना पड़े, तो उन्होंने अपने साइन खुद भी किए हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया आदेश जी। तो अब इसके बाद जी SHO साहब उमेश कुमार जी बोल देते हैं जी कि आपके पास सुरक्षा की कोई भी कमी है, आपको लगता है सुरक्षा हम दे देते हैं जी, और कोर्ट राठ में बोले है नहीं है, आपको हमीरपुर चले जाएं या फिर कानपुर जहां देख लें कोर्ट मैरिज के लिए, ठीक है, और यहां सिविल कोर्ट राठ में तब यहां नहीं हो रही है, आपको हमीरपुर जाना पड़ेगा जी। ये बात हुई, ठीक है। तो बस उसके बाद सबको वहां से रफा दफा कर देते हैं कि जाइए थाना खाली करिए और अब आप कोर्ट जाइए, अब कोर्ट जाइए, ठीक है। उसके बाद निकलने के बाद गांव वाले गांव चले जाते हैं। हाँ। आफरीन को भरोसा नहीं रहता है राम सिंह के ऊपर जी, राम सिंह को ऐसे हाथ पकड़ के वही थाने में घूम रही थी कि राम सिंह तुम कहीं चले ना जाना। अच्छा, मतलब उसको डर था कि छोड़ के ना भाग जाए। तब मेरे दिमाग में ये आ रहा था आनंद जी की शादी भी करना चाहती हो, भरोसा मतलब नाम की चीज नहीं है, कैसे शादी चलेगी, तभी लगा। हाँ। जी भरोसा शायद इसीलिए भी ना हो क्योंकि जैसा कि उसने बताया कि ये छोड़ के भाग आया है। उसी बात से जी जी बाहर निकल आए। राम सिंह बोला कि मेरे पास कोर्ट के जो पैसे लगेंगे वकील के लिए, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास 100-200 रुपए भी नहीं है। अच्छा, इतना ही डाला हूँ ऐसे कुछ रुपए, बोले अब मैं देखता हूँ। इसके बाद राम सिंह ही उसे घर ले जाता है। अच्छा, क्या तो यहाँ पे आप लोग फिर कोर्ट नहीं गया है? कोई कोर्ट नहीं गया। तो ये भी जानने वाली बात है कि यहाँ पे कोर्ट जाने के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसा कि राम सिंह ने कहा कि हमीरपुर यानी कोर्ट जाने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए वो हमीरपुर नहीं जा सकता है। तो इस यहाँ पे आफरीन का क्या कहना था? आफरीन का ये कहना था कि अगर यहाँ तो मेरा कोई जानकार नहीं है, अगर दिल्ली से कोर्ट मैरिज करेंगे तो वहाँ मैं व्यवस्था कर लूंगी पैसे की। अच्छा, मतलब वहाँ जो पैसे की समस्या आपको हो रही है वहाँ नहीं हो? आफरीन ने पहले भी एक वीडियो ब्लैम में कहा है कि मेरा जो साथ में जॉब करते थे, मैं राम सिंह के ऊपर पैसा भी खर्च की हूँ। तो ये इस बात से लगता है कि राम सिंह बराबर के, मतलब ऐसा नहीं है कि आफरीन पैसे भी ऐंठ रही थी, बराबर का बैलेंस बना रखे थे, वो भी साथ में रह रहे थे तो खर्च दोनों कर रहे थे, मतलब वो भी खर्च कर रहे थे। उसके बाद अवधेश जी जैसे आप लोग आए बाहर, उसके बाद इनको घर पर, मतलब उसके बाद ये लोग कहाँ गए? इसके बाद ये लोग राठी में घूम रहे थे। अच्छा। वाली के बाहर घूम रहे थे और शाम का वक्त हो गया था, गांव वालों को भरोसा नहीं है कि शादी होनी है, कि उसने राम सिंह ने बोल दिया कि पैसे नहीं है, तो उन्हें लगा कि अब क्या मामला, तो वो निकल गए शाम को होते ही। लोग तो देखने आए थे कि शादी होगी तो थोड़ा फोटो वोटो होगी और वो होगा, बिल्कुल, और सब लोग वही देख रहे थे, मीडिया भी वहां थी कि बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। जी जी जी। लेकिन ये सब हुआ नहीं है, तो सब सन्नाटा हुआ, सब लौट आए। जी जी जी। और फिर राम सिंह कितने बजे लेकर पहुंचा है,
फिर उसका जगह बदल गई है। जब दोबारा पहुंची तो मैं घर पे कवरेज किया था, और जब दूसरी बार पहुंचा तो राम सिंह ने बाड़े में आफरीन रुकी हुई है जी जी जी, और इस बात का हवाला दिया है कि पिताजी ने घर से निकाल दिया है जी, और जी, मैंने ऐसा काम किया है तो बेदखल कर दिया, जहां मुझे मिला है वहीं रहेगा, ये बात यहां तक थी जी। नहीं बिल्कुल, अब काम कोई बहुत अच्छा काम तो किया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप तो इसका समर्थन, ना ही गांव वाले लोग कोई इसका समर्थन तो करेंगे नहीं, गलत तो गलत ही होता है। तो इसका मतलब उदय जी वहां से आप सब लोग अलग हो गए, फिर उसके बाद ये थाना के गेट के बाहर निकले तो कहां गए कहां नहीं गए, जहां भी गए दोनों लोग खुद ही गए हैं। और ये बात और है इसमें नोट करने वाली कि ये जानकारी न्यूज में जा रही तो सबको है, साथ में कोतवाली को भी है, 112 को वो कई बार लड़की डायल कर चुकी है, 112 आती है और देख के जाती है कोई नहीं है, तो मामला सबको पता है। और उसने बताया है कि अपने पक्ष से जिनको मोमनन में जिसको बुलानी थी वो भी आ चुके हैं, तो कोई छुपा हुआ नहीं है मामला की, कोई छुपा हुआ हो ये मामला पूरा हाईलाइट है। और हाँ, और देव जी इसका मतलब अगर शासन प्रशासन को इस मामले की खबर है, थाना क्षेत्र को खबर है, और भी लगातार हम न्यूज चैनल के माध्यम से ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि जो भी इसका निष्कर्ष निकले जल्दी से जल्दी निकले, ऐसा ना हो कहीं और भी चीजें आगे बढ़ जाएं। जितना भी प्रयास किया जा रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम अगर सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अवधेश जी? ऑब्वियसली की जानकारी है सब प्रशासन की, प्रधान जी तो इतना तक बोल चुके हैं कि मेरे ऊपर सर पे मरा जाएगा, प्रधान जी एक वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मरा जाएगा, और इस तरह का है प्रधान बोल रहे हैं कि वो भी बड़ा टेंशन में है। तो प्रशासन को मेरे हिसाब से ये जो आनंद जी बोलिए खत्म करिए, मेरे हिसाब से प्रशासन को जानकारी है ये कोर्ट मैरिज की जो भी वजह है, इनको सोल्यूशन तक पहुंचाना चाहिए, कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए। और जी क्या जैसे आप फील्ड पे जाते हैं तो क्या गांव वालों में इसके लिए कोई डर है, या डर का माहौल है, या कहीं उनमें कोई घबराहट है कि भाई किस तरीके के दंगे हो सकते हैं, ऐसा कुछ है वहां फील्ड पे? ऑब्वियसली बिल्कुल मैं सहमत हूं, और है डर का माहौल गांव वालों में। गांव वाले चाहते हैं मामला अपने हल पर पहुंचे, लास्ट तक पहुंचे, जो भी होना है जल्दी हो जाए जी, शादी होनी है शादी हो जाए जी, और जल्दी से जल्दी ये चीजें खत्म हो गाँव में, क्योंकि गाँव वाले बड़े गाँव के लोग बड़े सिंपल जीते हैं और ये चीजें कभी वो देखे नहीं है, तो ये भी बड़ा लग रहा है प्रशासन को कि इस चीज को संज्ञान मिल रहे हैं तुरंत जी जी। देखिए ये तो आप लोग दर्शक भी बताइए, बुद्धिजीवी लोग जानकारी दीजिए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दृष्टि डालिए, रोशनी डालिए। अगर ये मामला लगातार 10 से 12 दिन हो चुके हैं, शासन प्रशासन नेताओं के सभी लोगों के संज्ञान में है, जानकारी में है, तो ये मामले पे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? और इसमें जरूरत है या तो इस मामले में कार्यवाही हो, या तो ये दोनों लोगों की शादी कराई दी जाए, और गांव से बाहर जहां रहना है क्या? पहले जहां रह रहे थे जहां रहना है वहां चले जाएं, वहां भी चले जाएं, गांव में भी रहना है तो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे भी करके इस मामले को रफा दफा किया जाए, खत्म किया जाए, ऐसा ना हो और कोई पॉलिटिकल पार्टी या अन्य तरह के लोग जो भी है इस मामले का फायदा उठा के गांव का माहौल भी सांप्रदायिक दंगों में बदल दें, या ऐसी कोई माहौल क्रिएट करने की प्रयास जो कि लगातार हो रहे हैं, यहाँ वहां से हमें जो भी इंटरनल जानकारी मिली है, ऐसे प्रयास लगातार कमेंट बॉक्स में भी आप खोल के देख सकते हैं, ऐसे अन्य लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब इस बात से तो हम लोग इनकार कर ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला है वो इस्लामिक है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है, और बंदा जो लड़का है वो हिंदू है। और देश जी एक और इंटरेस्टिंग बात है जी, लगातार मैंने फुटेज में भी गौर किया है, जो लड़की है वो पहले उनका नाम नेहा सामने आ रहा था, अब बहुत ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है जी, बहुत अच्छा सवाल है। और जो लड़की कह रही है वो बार बार सागर नाम ले रही है, तो मैं इस पे आनंद जी प्रकाश डालता हूँ, दो कवरेज किया हूँ जमीन पर जाकर जी जी। पहले ही कवरेज में बोली है हकीकत ये है कि ये जब दिल्ली में रहते थे, जब इन एक दूसरे को नाम छिपाए हैं, गलत जानकारी दिए हैं, राम सिंह सागर बताए हैं जी, और नेहा जी आफरीन है, जो आफरीन है वो नेहा बताई है, और हाँ हाँ, और जो राम सिंह है, जो सागर है वो राम सिंह निकलता है। देखिए दर्शकों को ये भी अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं हिंदू लड़की इससे प्यार कर रही है, मुस्लिम लड़कियां ये वो, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे राम सिंह जो है वो सागर था, हाँ, वो जो आफरीन है वो नेहा थी, नेहा थी, तो पहचान दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे से छुपाई है, छुपा रखी थी। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग जो भी है हम सब बहुत ज्यादा, यहाँ भी साइन में आप देखें तो दो साइन कर रही है वो, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा ये सही, तो बहुत जरूरी बात आपने, बहुत बढ़िया बात आपने यहाँ पे याद दिलाई है दर्शक, थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान दें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो
तो ये जो द्वितीय पक्ष के साइन हुए हैं, ये जो द्वितीय पक्ष के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए इन्होंने पहले नेहा लिखा है और बाद में आफरीन लिखा है। हो सकता है शायद इनके दोनों ही नाम चलते हो या फिर जैसा भी हो, लेकिन इन्होंने साइन भी दोनों ही किए हैं, नेहा और आफरीन दोनों ही नाम से साइन किए। राम सिंह के, हालांकि राम सिंह का साइन एक ही है, राम सिंह के नाम से ही है, लेकिन इन्होंने आरोप लगाए हैं क्योंकि वीडियो में या पहले के ये इन्होंने इन्होंने हमको क्या नाम बता रखा था, सागर। अदेश जी मैं क्या ठीक हूँ? बिल्कुल, इन्होंने मतलब अपना नाम सागर, उनके मुताबिक सागर नाम सागर बता रखा था। अदेश जी बचे हुए दो और कमेंट्स हमारे रह गए थे वो भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखिए प्रेम पुरोहित जी का कमेंट है, ये लड़की अपनी गैंग को फोन पर सारी बात लाइव सुना रही है, फिर इसको कोई इंस्ट्रक्शन आएगा और ये मुआवजा मांगेंगी इसको छोड़ने के लिए। ये गैंग वर्ड बहुत बार बार प्रचलन में आ रहा है, बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि लाइव, तो मुझे लगता है ये वर्ड जो है वो लाइव जिस भी महिला के साथ, जिस भी अपने साथी के साथ ऑनलाइन रहती है उनकी बातें कर रही है। जी इसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। जी अदेश जी थोड़ा नेक्स्ट कमेंट। जी यहाँ पे अब्दुल जी का एक कमेंट है, जी भाई मैं भी मुस्लिम हूँ, अगर यह लड़का बिगड़ा हुआ होता, ये राम सिंह के पक्ष में लग रहा है कमेंट, बिगड़ा हुआ होता तो इसके झांसे में कभी ना आता, और यह लड़की बातचीत से ही बदतमीज लग रही है, पुलिस ऐसी लड़की पर कार्रवाई करे। अब देखिए अब्दुल जी का कमेंट है और इनका कहना है कि लड़की बातचीत से ही बदतमीजी कर रही है, बदतमीज लग रही है। कितने लोग सहमति दिए, 130 उनको लाइक आए हैं, 130 लाइक आए हैं, तो मतलब ये इतने लोग इनसे एग्री करते हैं कहीं ना कहीं, तभी उन्होंने लाइक किया है, है ना। अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। इनकी अपनी एक राय है कि भाई जिस आधार पर इन्होंने जितना उस हमारे वीडियो के माध्यम से जांचा परखा होगा वो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, हालांकि हम इसी किसी भी तरह का कौन सही है कौन गलत है इसकी कोई भी पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते हैं। जी एक और कमेंट है, एक और कमेंट है भाई साहब, यह लड़की से शादी मत करना क्योंकि पहले पति का नहीं हुई तो तुम्हारा क्या होगा, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा किस्मत के मारे होते हैं, कुछ लोग गलत फैसले ले लेते हैं, बाद में उनका जीवन उनको ठीक करना पड़ता है। तो कमेंट तो और रह गए हैं जी अधीश जी, कमेंट लगभग हमारे खत्म हो गए हैं। तो ये देखिए सभी दर्शकों को हमने क्या किया, हमारे दर्शकों ने कमेंट किए हैं उनकी राय क्या है। हमने आपको आफरीन का पक्ष भी सुनाया था, हमने आपको राम सिंह का पक्ष भी सुनाया है, प्रधान जी का पक्ष भी आपने सुना है, अब ये दर्शकों का पक्ष हमने जरूर थोड़ा सा हमको लगा है कि दर्शकों के पक्ष की भी आवश्यकता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, और इसके बाद भी लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, और जो भी चीजें हैं आपको लगता है आपके जो भी विचार हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि लगातार एक कमेंट सेगमेंट आपके पास लाते रहेंगे और आपकी जो भी राय है हम आपके साथ पेश करते रहेंगे। और इस वीडियो के साथ ही जैसा कि ये पैसे वाला मामला है, आज ही अवधेश जी हमने एक और वीडियो अपडेट किया है अपने चैनल पे ही आखिरी, जिसमें साफ साफ कह रही है कि पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं है, वो वीडियो भी हम इसी वीडियो के साथ पीछे अटैच कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। अदेश जी आप अपनी तरफ से कुछ दर्शकों के लिए कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। जी बिल्कुल, तो मैं चलते चलते यही बात कहूंगा कि ये तो आपकी राय हमने पढ़ी है, इस मामले में हर बार यही चीज होता है, इस मामले में लास्ट तक हम पहुंचेंगे, हल क्या निकलता है, और हमारा लास्ट मकसद, हम इस केस में इतना इन्वॉल्व हैं तो हम चाहते हैं कि जो अगर ऐसे कोई पैसे की मांग को लेके यहाँ गांव वालों को लूटा जा रहा है, ऐसी चीज़ है वो हम नहीं होना देना चाह रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर हमें जानकारी है, अगर वो शादी के लिए है तो शादी हो, अगर शादी उसकी शिद्दत से है, प्यार है तो शादी हो, पैसे का कोई ऐसा लेन देन गाँव में अगर ऐसे फिर बाहर लड़के कमाने जाते हैं फिर तो ये एक प्रचलन में आ जाएगा कि इस तरह से अगर होगा, वो चीज़ हम नहीं होने देना चाहते हैं और लास्ट तक जरूर पहुंचेंगे चाहे। जी आनंद जी, जी पैसे भी नहीं देने देंगे, और अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसको भी इंसाफ मिलेगा, उसके साथ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, हम ना आफरीन को आफरीन समझ रहे हैं, ना आफरीन को हम नेहा समझ रहे हैं, ना राम सिंह को राम सिंह, हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है, हम दो लोगों को इंसानियत नजर से इंसान के तौर पर देखते हैं। आफरीन एक स्त्री है, महिला है, एक इंसान है,
वो हिंदू होती, मुस्लिम हो या किसी भी पक्ष से है, पक्ष या धर्म से कोई विशेष लेना देना हमारा बिल्कुल नहीं है। इंसान है, इंसानियत के नजरिए से ही आप लोग भी इसको देखें। अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, अगर लड़के के साथ गलत हो रहा है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आवाज उठाने के लिए तो महिला आयोग है, लेकिन पुरुषों की आवाज उठाने के लिए कोई पुरुष आयोग का गठन कभी आज तक किया नहीं गया है। जबकि पीड़ित पुरुष भी होते हैं, तकलीफ पुरुषों को भी होती है, हृदय दिल पुरुषों का भी होता है। क्या कमाल की बात कही, और चलते चलते बस वही बात की अगला वीडियो अपडेट आपको देते रहेंगे। और फिर से मैं जमीन पर पहुंचूंगा और उनके आफरीन के पास कस्बा खेड़ा पहुंचते हैं और अगले वीडियो में वहां जाकर देखते हैं कि मामला कहां तक बढ़ रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत, मेरे साथ मौजूद थे अवधेश पाल जी और आप देख रहे थे जनता का। धन्यवाद। धन्यवाद। लोग मुझ पर अब एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, हमारी पैसे की गैंग है। तो मुझे नहीं पता ये एलिगेशन मेरे पे क्यों लगाया जा रहा है। मेरा पैसे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ही गारमेंट्स फैक्ट्री की कंपनी में एक सुपरवाइज़र की पोस्ट पर हूँ, तो हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें जो इंसान मेरे साथ गलत करके भागा है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से शादी करे। मेरे पे 100 एलिगेशन लगा रहे हैं।